एक आदमी के चार बेटे और एक बेटी थी और वो पांचों विदेश में रहते थे। एक बार उनकी माँ बहुत सीरियस बीमार हो गई। उनके पिताजी अपने पहले बेटे को फोन किया, बेटा तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, जल्दी घर आ जा। बेटा बोला, पापा मैं 3 साल की ट्रेनिंग पर हूँ, कृपया आप उन तीनों भाइयों को फोन करके बुला लो। फिर पिता ने अपने दूसरे बेटे को फोन किया तो वो बोला, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, मैं नहीं आ सकता, आप उन तीनों भाइयों को फोन करके बुला लो। फिर बाप ने तीसरे बेटे को फोन किया तो वो बोला, मेरे तो इंडिया आने में सिर्फ 3 महीने बाकी है, फिर ही आ पाऊंगा, कृपया आप उन तीनों भाइयों को फोन करके बुला लो। फिर बाप ने चौथे लड़के को फोन किया, वो बोला, पापा अभी मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती, आप वो तीनों को बुला लो। बाप रो पड़ा, जिस माँ ने बैंक से लोन लेकर उन्हें विदेश भेजा आज वो ही इनकार कर रहे हैं। वे इतने बिजी हैं कि माँ को देखने तक नहीं आ सकते। वो बाप खुद को संभाल नहीं सका। उसने फिर अपनी बेटी को फोन किया और माँ के बारे में बताया। बेटी रो पड़ी, कहा, पापा आप संभालिए अपने आप को और माँ को भी, मैं और मेरा पति अभी पहली फ्लाइट से वहाँ पहुँच रहे हैं, आप टेंशन नहीं लेना। पिता, अरे बेटा पर तेरे पति के बिजनेस का क्या होगा? बेटी, क्या पापा इस वक्त भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं? माँ से ज्यादा कोई काम जरूरी है क्या? बस आप खुद को संभालो, आप माँ को संभालो, मैं भी प्रार्थना करती हूँ भगवान से, वो माँ को जल्दी ठीक कर देगा, सब अच्छा ही होगा पापा, ख्याल रखना। बाप सोचने लगा, यही है आज का युग, हम बेटा मांगते हैं बेटी नहीं, पर आज बेटों ने आने से मना किया, जिनके लिए लोन लिया, जिनकी हम किस्ते आज भी भर रहे हैं, और बेटी जिसे हमने कभी मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, वो अपने सभी काम छोड़कर पति के साथ उसके काम काज व बिजनेस की परवाह न करके अपने पति के साथ सिर्फ माँ के लिए आ रही है। वो बाप फिर से रो पड़ा, कहाँ बेवकूफ है वे लोग जो बेटे की इच्छा रखते हैं, हर तकलीफ में सिर्फ बेटियां ही वक्त पे काम आती हैं। ये प्यारी बेटियां, ये दुलारी बेटियां, माँ बाप का गुरूर है ये बेटियां, खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, घर को रोशन करती है बेटियां, लड़के आज है तो आने वाला कल है बेटियां, प्यार होती है बेटियां, ईमान होती है बेटियां, दूर रहकर भी माँ बाप की जान होती है बेटियां, दुख दर्द सहकर लबों से मुस्कुराकर विश्व भर में खुशियों की सौगात को बिगेरती है बेटियां, सम्मान होती है बेटियां, दुलार होती है बेटियां, चाय की चुस्की की मधुर मिठास होती है बेटियां, करे यदि कोई इनकी अपमान कभी भी, हर जर्रे जर्रे से निकलती है वो तूफान होती है बेटियां, बेटियों से ही आबाद है सबके घर परिवार, अगर न होती बेटियां थम जाता संसार, लक्ष्मी का वरदान है बेटी, धरती पर भगवान है बेटियां, बेटियां है तो कल है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।